नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं, लगभग 200 से ज्यादा वीडियो बना चुके हैं। मिल्कीपुर की बात की जाए, मिल्कीपुर का उपचुनाव की बात की जाए, तो पूरे भारत की निगाह यहां पर है। आप एक तरफ मिल्कीपुर देखेंगे, दूसरा आप देखेंगे हरियाणा चुनाव। हरियाणा चुनाव जो बीत जाने के बाद हरियाणा में बीजेपी जीतती है, उसके बाद जो पूरे देश की निगाह है वो मिल्कीपुर पर है। मिल्कीपुर पर क्यों है, मैं वो भी आपको बता देना चाहूंगा। मिल्कीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, ये अयोध्या का विधानसभा क्षेत्र है। अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद जो बीजेपी के समर्थक है वो चाह रहे हैं कम से कम मिल्कीपुर विधानसभा जीता जाए। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जो सांसद बने थे, उनके गढ़ में लड़ाई है, उनके विधानसभा में लड़ाई है, उनके विधानसभा के एक क्षेत्र में हम लोग मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दुर्गा माँ का पंडाल लगा हुआ है, कुछ लोग मौजूद थे यहाँ पर, हमने सोचा कि बातचीत की जाए। ऐसे में ये भी पता लगा, ये जो ग्राम सभा है, जो गांव है, यहाँ पर पासी समाज के लोग हैं, तो अब हमें पता लगा कि अवधेश प्रसाद के समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं अवधेश प्रसाद का समाज इस बार क्या मूड बना के बैठा है, क्या होने वाला है। मिल्कीपुर का जो चुनाव है लगातार करवट बदल रहा है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कह रही है अयोध्या के बाद हम मिल्कीपुर जीतेंगे, और वही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी। ऐसे में चलते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? अर्पण सिंह राजपूत। हाँ, क्या माहौल है आपके यहाँ? बिल्कुल भाजपा जीतेगी यहाँ पे। हाँ, आई एम फैन ऑफ योगी जी। योगी जी के फैन बहुत बड़े। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से भी बाजी मारेगी, अयोध्या के बाद हम मिल्कीपुर जीतेंगे। हमारा कहना है एक बार गलती हो गई ना अयोध्या वासियों से, दोबारा गलती नहीं होगी ऐसी। क्या लग रहा है कौन योगी जी का कौन सा शेर मिल्कीपुर जीत पाएगा? अब चंद्रभान पासवान जी है और बाबा गोरखनाथ भी है। देखिये टिकट जिसको मिलता है एक्चुअली ऐसा है की वोट भाजपा को करेंगे। ऐसा नए प्रत्याशी की भी चर्चा दिख रही है। हाँ, नए प्रत्याशी, नए प्रत्याशी आएंगे तो नया विकास होगा, अच्छे अच्छे विकास होंगे, विकास के कार्य होंगे भाई। हाँ, समाजवादी जो दावा कर रही है अयोध्या फिर मिल्कीपुर जीतेंगे, एक बार हो गया, गलती हो गया अयोध्या वासियों से, दोबारा गलती नहीं होगी, दोबारा गलती नहीं होगी। नहीं, वो गलती से वोट पड़ गया मान लीजिए। अच्छा, चलिए अभी हम दोबारा आपसे बात करेंगे, जल्दी जल्दी सबसे बात कर लेते हैं एक बार। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पिंटू तिवारी है। पिंटू तिवारी जी, अयोध्या समाजवादी जीत गई है, उसके बाद कह रही है मिल्कीपुर जीतेंगे हम। मिल्कीपुर अगर बीजेपी को जीतना है तो एक के प्रत्याशी है चंद्रभान पासवान, अगर वो टिकट पाए तब भी बीजेपी यहाँ जीत पाएगी, नहीं तो वरना जीत नहीं पाएगी। चंद्रभान पासवान क्योंकि इतने अच्छा नेता है और कोई है नहीं, हर गली जा रहे हैं, गली आ रहे हैं, हमेशा 5 साल पहले भी आते जाते थे, ऐसा नेता कोई है नहीं। अगर ये टिकट पाए तो पक्का जीतेगा, अगर टिकट नहीं पाए तो बहुत मुश्किल है इनको। क्या लग रहा है बीजेपी की जो नैया है उसको खेवैया बन पाएंगे चंद्रभानु पासवान? हाँ, बन जाएंगे, अगर उनको टिकट मिला तो जनता पूरी यहाँ खड़ी है, यहाँ 56 घर है, यहाँ सब लोग तैयार हैं। एक तरफा जाएगा, एक तरफा मिल्कीपुर में पूरा समाज, एक तरफा जाएगा पूरा। पाजी समाज है, निषाद समाज है, यादव समाज है, ठाकुर समाज है, ब्राह्मण समाज है, सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। अगर ये टिकट नहीं पाए तब तो मामला कुछ गड़बड़ा। अयोध्या के बाद मिल्कीपुर की विधानसभा, मैं कहना चाहूंगा अयोध्या के बाद अयोध्या की एक विधानसभा मिल्कीपुर है। ऐसे में एक लोग और उनसे हम बात करेंगे, पूरे भारत की निगाह जो यहाँ पर है, क्या माहौल है? जी भैया, बीजेपी का माहौल है। हाँ, और चंद्रभान पासवान जी अगर टिकट पाते हैं तो जीत जाएंगे। वो कह रहे हैं हम इस बार मिल्कीपुर भी जीत लेंगे। अरे अब एक बार गलती हुई, दोबारा यहाँ गलती नहीं होगी। अच्छा, चंद्रभान पासवान की बात की जाए, आप तीन लोगों में से तीनों लोगों ने, उन्होंने एक नाम और भी बताया था, चंद्रभान पासवान का आपने नाम लिया। जी जी, क्या लग रहा है वो योगी का ये शेर जीत पाएगा मिल्कीपुर? जी जी जी, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है? जी जी। कैसे नेता है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है उनके। हाँ, अवधेश प्रसाद के लड़के भी मैदान में हैं। वो उससे हमको नहीं मतलब, अवधेश प्रसाद जी झूठे आदमी है, झूठे आदमी, वो झूठे दावा करते हैं। हाँ, कोई काम नहीं करते। अच्छा, अवधेश जी के ऊपर झूठे का जो दावा है वो लगातार मिल्कीपुर की जनता कर रही है। ऐसे में माता जी का पंडाल है, आशीर्वाद लेते हुए माता जी से जो लोग है यहाँ पर उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है अपना? कमलेश। तो किसको जिता रहे हैं आप? पासवान का, चंद्रभानु पासवान को। हाँ, आप भी पासवान, वो भी पासवान। हाँ, जाति वाला समीकरण मिला रहे हैं। हाँ, भाई है? और नहीं मिलावा जावे करी, नहीं जितावा जाए। आप माता रानी के दरबार में बैठी हुई हैं। हाँ, और अर्जी लगा रही हैं चंद्रभानु पासवान की। हाँ, जितावा जाए। हाँ, क्या लग रहा है अवधेश प्रसाद जी इस बार बाजी नहीं मार पाएंगे? नहीं, इस बार कमल खिलाएंगे। अच्छा, अयोध्या के बाद मिल्कीपुर बहुत अहम हो जा रहा है, महिलाओं का वोट भी बहुत अहम होता है। क्या महिलाएं किसका साथ देंगी पासी समाज की? पासवान का। पासवान का, चलिए आपसे भी दोबारा हम बात करेंगे, आपसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? गुड़िया। माता जी की सेवा कर रहे हैं? हाँ। माता जी की सेवा कर रही हैं, और इस बार मिल्कीपुर में किसे जिताने वाली है?
चंद भर पासवान को। चंद भर पासवान और ऐसे करके आप खड़ी हो गई, क्या बात है। हाँ भैया। अच्छा एक चीज और कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, हम अयोध्या की धरती में है, अयोध्या की पावन धरती में मौजूद है, मिल्कीपुर जैसी सीट पर हम लोग मौजूद है। बताया जा रहा है सबसे बड़ी विधानसभा एक तरीके से अयोध्या की इस समय बनी हुई है। तो यदि चंद्रभानु पासवान की बात आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसके समाजवादी को टक्कर दे पाएंगे चंद्रभानु पासवान? हाँ देंगे। अच्छा माता रानी कृपा रहेगी? हाँ माता रानी कृपा रहेगी। पासी समाज उनके साथ जा रहा है। अवधेश जी कह रहे हैं हमारा समाज हमारे साथ था पहले चुनाव में, उनका जो है पहले रहा है लेकिन अब नहीं है। अब नहीं रहेगा, कुछ नाराजगी हो गई है लग रहा है। क्या नाराजगी हो गई है? अब नाराजगी जौन होएगा जौन तो जनता है सब। हाँ माता रानी कृपा किसके ऊपर है इस बार? चंद्रभान पासवान। चलिए हम लोग हम ये भी कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर कृपा रहे माता जी की, आप लोग आगे बढ़े। चलिए माता जी से हम बात करेंगे। हाथ जोड़ रहे हैं माता जी, आप कुछ बता नहीं पाओगे, आप बता नहीं पाएंगी। हाँ हमसे क्यों करना हुआ? कुछ ऐसे वोट भी होते हैं जो बताते नहीं, साइलेंट वोट कहा जाता है, कैमरे पे ध्यान दिया जाए, सिर्फ कैमरे पे ध्यान दिया जाए तो साइलेंट वोट होते हैं, आप बताते नहीं। आप लोग ऐसा वोट किधर जाता है पता नहीं क्या कर दिया ये। हाँ चलिए कुछ पता नहीं है, ऐसा वोट किधर जाता है कुछ पता नहीं है। ऐसे में दादी जी बैठी है, दादी जी से भी बात कर लेते हैं। भैया प्रत्याशी मतलब नहीं, मोदी मतलब है। मोदी जी क्यों देंगे ये बताइए, हम जानता नहीं कुछ कहा। मोदी जी चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। पानी वानी पिया जाएगा भैया? देखिए कितना मिल्कीपुर की जनता की बात की जाए तो कितनी अच्छी जनता, पानी बाद में पीलेंगे, पहले आपसे हम बात कर लेते हैं। और मिल्कीपुर के लोगों की तारीफ करना तो बनता है क्योंकि बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो एक बार मैं मिल्कीपुर की जो जनता है जो हमारे वीडियो को देख रही है मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत प्यार मिला आप लोगों से। कौन जीत रहा है भैया? जीतने के लिए क्या कमल को जिताया जाएगा आपके? कमल को जिताएंगे? हाँ जी। साइकिल नहीं चलेगी क्या? साइकिल कहाँ चलेगी, कमल ही चलेगा। सब कह रहे हैं साइकिल बहुत गांव दिखाई देती है। कमल भी तो हमारे यहाँ बहुत। अच्छा तालाब है पीछे, इशारा तालाब की तरफ कर रहे हैं। हाँ साहब। तो प्रत्याशी तो आया नहीं अभी बीजेपी से? प्रत्याशी आ जाएगा सर जब। कौन आ सकता है? कमल का आएगा मतलब यही आएंगे। चंद्रभानु जी पासवान। हाँ जी। सिर्फ चंद्रभानु जी का नाम ले रहे हैं आप लोग? अब क्या करें जब पासवान है, पासवान का नाम ले जाएगा, पासवान तो अभी है लेकिन जो मौका से आएंगे उसे कहीं। अच्छा उनसे संबंध अच्छे है, पकड़ अच्छी है उनकी। तो कहीं ना कहीं पासी समाज जो है वो चंद्रभानु पासवान का नाम ले रहा है। ऐसे में भाभी जी से हम बात करना चाहेंगे, बड़ी सोच में बैठी हुई है। तबियत ठीक नहीं है। कौन जीत रहा है? चलिए जल्दी बता दीजिए हमको। अच्छा अपने मन से नहीं देंगे? ना भाई हमारे पूरा इकट्ठे रहा था, इकट्ठे ही जाएगा, गांव पूरा इकट्ठे वोट करता है ये। ऐसे में इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है अपना? हमारा नाम जिलेदार है। बैठ जाए जिलेदार जी। जी कौन बाजी मार रहा है मिल्कीपुर से? चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान मार रहे हैं जी। क्या कारण है चंद्रभानु पासवान का आप नाम ले रहे हैं? वो हमारे खास हैं, हमारे यहाँ आते हैं, नहीं है तो वो आते हैं और वो भी काम करेंगे और अगर वोट पाए जाएंगे। अरे मतलब उनको हाँ, टिकट मिलता है तो मिल आपको विश्वास तो है कि चंद्रभानु पासवान यहाँ अच्छा काम करेंगे? टिकट अगर मिल जाएगा तो उनको जिता देंगे हम। हम देख रहे हैं आपके गांव में पूजा पाठ बहुत किया जाता है, बड़े मन से माता जी की मूर्ति बिठाई गई है, तो माता जी से भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। हाँ माता जी आशीर्वाद। साइकिल क्यों नहीं? अवधेश प्रसाद जी भी तो एक बार सांसद बने, उनका बेटवा मैदान में है। अब क्या करें हम? अब जनता जो करेगी वही होगा। हाँ हमारी जनता लगी है। पासी समाज किसकी तरफ? पासी समाज हमारा ठीक है। अब किसकी तरफ जा रहा है? हमारी पासी समाज चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान की तरफ। ऐसे में जब लगातार कवरेज हम मिल्कीपुर में कर रहे हैं, लगातार जब लोगों से बात हो रही है, अलग अलग जगह पे हम पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं चंद्रभानु पासवान की नाम की जो चर्चा है वो तेज सुनाई दे रही है। क्या नाम है भैया? सरजू प्रसाद। सरजू प्रसाद जी कौन बाजी मार रहा है? अब यहाँ तो सब लोग आते हैं। हाँ सब लोग आते हैं तो किसको जिताएंगे? अरे अब जितावा जी भाई। हाँ चलिए आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं भैया, माहौल किस तरफ जा रहा है? अब भाजपा भैया, भाजपा। हरियाणा में बीजेपी जीत गई, माहौल बन गया है। अब बन गया, अब बना ही रहेगा। क्या मिल्कीपुर में भी बना है? उद्यान तो बीजेपी हार गई थी। अरे वो हार गई तो गलती हो गई थी ना। अब की बार गलती नहीं होगी, बहुमत से निकलेगी। लोग कह रहे हैं साइकिल दौड़ने लग गई है मिल्कीपुर, दौड़ने नहीं ढूंढ पाया बीजेपी, मान लीजिए पंचर हो गए एक तरह से। हम कहते हैं अब बीजेपी प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाया, साइकिल वाले कह रहे हैं बस वही प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बस जब से प्रत्याशी कंफर्म होते हैं बस जान लीजिए जीत उनको सुनिश्चित है, तो टिकट मिलने के देरी है उनको, बस टिकट मिलने का इंतजार है बस बस। और यदि बात की जाए, आप चंद्रभानु पासवान की चर्चा कर रहे थे, यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो?
हम नहीं मिलता तो किसी को भी मिलेगा, बट हम वोट भाजपा को भी करेंगे, बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। वोट बना रखे जी, बिल्कुल योगी जी, योगी जी के लिए वोट बना रखे। ऐसे में हम आपसे बात करेंगे, ये तो योगी जी के लिए वोट बना रखे भैया। चंद पासवान का अगर टिकट मिला, ये जो माता जी सामने बैठी हैं, हम लोग उनके आशीर्वाद उनके उतू से बैठाए हुए हैं, और वो इतना अच्छा नेता है, बहुत नेता आए गए लेकिन ऐसा नेता है नहीं। अगर उनको टिकट मिला तो बम्पर वोट से बीजेपी जीतेगी, और अगर टिकट उनको नहीं मिला तो समझ लीजिए बड़ा कांटे की टक्कर रहेगी, फिर कांटे की टक्कर हो सकती। हाँ, समाजवादी पार्टी हाँ टक्कर देगी, वो टक्कर देगी। भैया आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम अपना? हिमांशु द्विवेदी। हिमांशु जी, कौन बाजी मार? अब अभी तो कुछ नहीं कह सकते, असल में हरियाणा चुनाव खत्म हो गया, सबकी निगाह मिल्कीपुर में, अभी नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? बात वो है ना कि जैसे अभी तक कोई प्रत्याशी यहाँ पे आया नहीं है, बीजेपी से कंफर्म नहीं हुआ है। बीजेपी कह रही है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, तो कमल का फूल तो निकल ही रहा है, कमल का फूल निकल, आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं ना, तो लेकिन प्रत्याशी बात नहीं, मैंने कहा कौन बाजी मार रहा है? भाजपा जीतेगी यहाँ से, कोई उसमें बैठाई नहीं है। क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी होगा? चलो अब अभी तो दो तीन लोगों का इसमें, दो नाम में कौन से दो नाम लेंगे? ज्यादा तेज तो इस समय चंद्रमोहन पासवान चल रहे हैं, उसके बाद पुराने हमारे विधायक गोरखनाथ बाबा ही हैं, और बाकी तो वैसे तो नाम गिनाए जाए तो बहुत नाम है, बीसों नाम है उसमें। हाँ, दो नाम ज्यादा चर्चा में। हाँ, दो नाम है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन ज्यादा मजबूत बैठेगा? भाजपा जिसके ऊपर अपना हाथ रख देगी वही मजबूत हो जाएगा, बस आप इतना जान लीजिए, जिसके ऊपर रख देगी मजबूत हो जाएगा। जिसको, दोनों में से अगर जिसको दोनों में से अगर कहा जाए किसको 10 देंगे किसको 9 देंगे? बात मैंने एक बार कह दिया ना, भाजपा ने जिसको कंफर्म कर दिया टिकट, जिसको मिल गया वही जीतेगा, चाहे खोल खोल के नहीं बोलना चाह रहे। ऐसे में मिल्कीपुर की बात की जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा, मैं इतना जरूर कह देना चाहूंगा, ना ही समाजवादी पार्टी के लिए आसान है, ना ही बीजेपी के लिए आसान है, लेकिन जहां जहां कवरेज चल रही है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो थोड़ा मजबूत जरूर दिखाई दे रही है। ऐसे में चंद्रमानु पासवान की भी चर्चा तेज है, चंद्रमानु पासवान की चर्चा इसलिए मैं तेज बता रहा हूँ, लगातार मैं कवरेज कर रहा हूँ पासी समाज के, जितने भी गांव यहाँ पर है वहां पहुंचा जा रहा है, पासी समाज पर किसकी पकड़ ज्यादा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद भी पासी है, चंद्रमानु पासवान भी पासी है, और ज्यादातर प्रत्याशी जो पासी है, तो ऐसे में पासी में पकड़ जिसकी ज्यादा है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो सकता है। आपने अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से मिल्कीपुर विधानसभा में कौन बाजी मार रहा है, उपचुनाव कौन जीत रहा है, क्या अयोध्या वाला हल होगा, या अयोध्या के बाद मिल्कीपुर में बीजेपी जीतेगी, या समाजवादी पार्टी जो कह रही है मिल्कीपुर जीत के आएंगे? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।